यहां आपको अपडेट करेंगे। तहरीक इंसाफ ने कल का एहतजाज मौखर करने का फैसला कर लिया। पीटीआई की सियासी कमेटी इजलास में एहतजाज मौखर करने का फैसला किया गया है। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि कल, क्योंकि पाकिस्तान में शंघाई तआवुन तंजीम का इजलास भी शुरू होने जा रहा है, तो इसी सूरत में डी चौक के मुकाम पर जो है वो एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पर मुलाकातों के हवाले से पाबंदी है, लेकिन अब मुख्तलिफ जो पीटीआई रहनुमा थे उनकी तरफ से खबरें आई कि वो इजलास मौखर करना चाह रहे हैं, क्योंकि दूसरी जानब हुकूमत जो हुकूमती वक्त है उनको यकीन दहानी कराई है, वजारत दाखिला से भी उनको यकीन दहानी कराई गई है कि शौकत खानम अस्पताल के जो मेडिकल टीम है वो पानी पीटीआई का मुआयना करेगी जेल में, तो उस सूरत में ये एहतजाज जो है वो मुलतवी करने का इरादा है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कमेटी का एक हंगामी इजलास हुआ और अब तक जराए सी खबरें सामने आ रही। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने कल का एहतजाज मौखर करने का फैसला कर लिया है। पीटीआई की सियासी कमेटी इजलास में एहतजाज मौखर करने का फैसला किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने कल का एहतजाज मौखर करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी इजलास में एहतजाज मौखर करने का फैसला किया गया।